लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इंजेक्शन की जो डिमांड राज्य में थी उसके आधार पर उसमें दो कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया और 8 लाख रेमडेसिविर महाराष्ट्र को देने का उन्हें मान्य किया। हर रोज 50,000 इंजेक्शन देने की बात उन लोगों ने की थी, लेकिन दिन ब दिन उन्हें अपना कोटा कम करते गए। आज तो एकदम नहीं के बराबर इंजेक्शन देने की बात वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव आ रहा है, जो राजकारण 2 दिन पहले भी हुआ महाराष्ट्र में और आज दिल्ली से हो रहा है क्या, ये प्रश्न हमारे सामने है। ये लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसमें स्पष्ट है कि ऐसे पेंडेमिक में केंद्र सरकार ने खुद हस्तक्षेप कर जिन कोरोना पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है उनको पूरी तरह मिलना चाहिए, उनकी जान बचाना चाहिए, ये काम केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य के सरकार के समन्वय से होना चाहिए। इस तरह से केंद्र के विरोध की सरकार महाराष्ट्र में है और उसका विरोध करने की अगर भूमिका की जाती होंगी तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। कांग्रेस की भूमिका है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इसका जो राजकारण जो शुरू है वो तुरंत बंद किया जाए और जनता जो ये कोरोना के बीमारी से रोज मर रही है उसको बचाने के लिए, राहत दिलाने के लिए ये ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता कराए, ये मांग कांग्रेस की है। आपको याद होगा कि गुजरात सरकार ने खुद इस कंपनी के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग के नाम से इनके ऊपर कार्रवाई की है, वही कंपनी महाराष्ट्र में भी ब्लैक मार्केटिंग करने की व्यवस्था बना रही थी। पुलिस ने उस रात जो रेड किया, जो हमारे को मालूम आता है कम से कम 60,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन उसमें वहां मिले हैं और इस तरह से कालाबाजारी करने वालों को कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस का होता है और वो राज्य सरकार के पुलिस ने किया है, तो उसमें विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी हमारी भूमिका है। पुलिस ने खुद इसके ऊपर कल ही एक प्रेस नोट डिक्लेयर किया, जाहिर किया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। देखो, इसमें खुद नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधान सेवक ने इस पे ख्याल देने की जरूरत है। अमित शाह के बेटे को भी इस तरह का रेड कॉर्पोरेटर दिया गया था, अब देवेंद्र फडणवीस के लड़के को, भतीजे को भी इस तरह की व्यवस्था बनाई दी जा रही है। आपको पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्हें जो लाल लाइट रहता गाड़ी के ऊपर का वो निकालने की व्यवस्था बनाई, मंत्री भी आम रहे, लोगों के साथ रहे, ऐसी उनकी भूमिका थी। और जो अधिकार आपको मिलते हैं उसका गलत यूज ना हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था। क्या देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ये उनकी सुन नहीं रहे? क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात पे ख्याल करेंगे क्या? ये सवाल कांग्रेस का है।